तो जिसका नाम ही अग्निपत्र रखा, अग्निपत्र नाम रखता, अग्निपत्र जब उसका योजना का नाम रख दिया तो योजना चालू भी नहीं हुई तो उसका रिजल्ट तो आ गया। हमारे यहाँ पर प्रेस के लोग कहते थे कि अगर आंदोलन बढ़ जाता तो जीतती कैसे, और हमारे अनेक कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब तो यह आरक्षण वाला सिस्टम जो आंदोलन करते थे वो कोई भी किसी जाति का आरक्षण को मिला हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सरकार को करना भी कुछ नहीं पड़ा और आरक्षण भी खत्म होगा, सबको एक तारीख को लगा। उत्तर प्रदेश में इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, हरियाणा में जाके इसने जाट और कौन जाट को लड़ा दिया, ये पंजाब चले गए तो सिख और हिंदू को लड़ा दिया, ये गुजरात गए तो पटेल और नॉन पटेल को लड़ा दिया, ये महाराष्ट्र गए तो मराठा नॉन मराठा को लड़ा दिया, यहाँ पे गांव में किसान और मजदूर को लड़ा दिया, कैसे तुम्हारी मजदूर इनकम है बढ़ाओ, उनके किसान को बिजली और लड़ा दिया। उन्होंने कहा भाई ये किस तरह की सरकार है जो तोड़ फोड़ लड़ाई भिड़ाई में विश्वास रखते, मतलब कोई छोटा ही नहीं। धन्यवाद सभी का। आज ये प्रोग्राम चला है और यहाँ पे हमारे भक्ते महाराज जी हैं और इनका बड़ा योगदान आंदोलन द्वारा अपने टेंट लगा के झोपड़ी में रह के जो संत महात्मा करते हैं वही भक्त जी ने वहां पे किया। सड़क पे लौटना और कई कई महीने तक, क्योंकि वहां कोई जातियां नहीं थी, वहां कोई बिरादर नहीं, महात्मा के सरकार को पुलिस और पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन था और उसमें सभी लोगों का सहयोग रहा। डॉक्टर रुद्रांत जी वहां पे बहुत बार गए, एक बार नहीं पर बहुत बार गए, जब भी बुलाते थे कोई प्रोग्राम था जब जाते थे इनके टेंट वहां पर लगे हुए थे, वहां जाते थे बैठ के बातचीत करते थे। और डॉक्टर साहब से संबंध आज का नहीं है, बहुत पुराना टिकट साहब के टाइम से इनसे संबंध रहा। इनमें सामाजिक लड़ाई का लड़ी और जो दबे कुचले लोग थे उनको उठाने का प्रयास किया। कभी भी किसान आंदोलन हुए उसमें भी आते थे, मंच में भी बहुत बार आए, अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी। और जहां तक एक सवाल आता है कि दलित समाज, आपको दलित समाज की परिभाषा नहीं पता। दलित समाज एक जाति का नहीं है, गांव में रहने वाले हम सब लोग जिसके हाथ खेत की मिट्टी से लगे हुए हैं, सने हुए हैं, जिसके कपड़े खेत में काम करते हुए गंदे हैं, हम सब लोग दलित हैं। आप जाओ खेत में काम कर रहे मेरी खेत के कपड़े पहन के मिट्टी हाथ में लगी होगी आपके, आप जाओ आप किसी भी जाति के हो आप जाइए शहर में, अगर आपको घर के अंदर घुसने दें वो बाहर बताएगा। तो शहर वालों के लिए, बड़े लोगों के लिए हम सब दलित। तो दलित कोई अपवाद नहीं है, दलित वो है जो गांव में काम करता है, खेत में काम करता है, अपने शारीरिक मेहनत करता है। गांव का किसान, गांव का भूमि इनके साथ, जो गांव में जिसको मजदूर कहते हैं इसके पास जमीन नहीं है, गांव में जिसके पास में जमीन है और किसी भी जाति धर्म का है, जब वो शहर में आता है नौकरी के लिए फैक्ट्री में काम करता है तो वो मजदूर कहलाता है, लेकिन वो देश का निर्माण दाता है, उसके अलग अलग नाम आपको मिलेंगे। जैसे ही उसकी फॉर्म चेंज होगी उसके नाम बदल जाएंगे। तो जातियों का, धर्म का तो खेल रहा है देश में। अब तो जो आपने जो मुद्दे लिखे हैं डॉक्टर साहब ने बहुत
चुनिंदा मुद्दे लिखे हैं। अब तो ये आरक्षण वाला सिस्टम जो आंदोलन करते थे वो कोई भी किसी जाति का आरक्षण जिसको मिला हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सरकार को करना भी कुछ नहीं पड़ा और आरक्षण भी खत्म होगा, सबको एक लाइन को लगा दिया। निजीकरण जहां होगा तो वहां आरक्षण है, जाओ सरकारी या नौकरी खत्म। जो आरक्षण मिलता था, जो हमारे लोग गांव के लोग जो बहुत गरीब आदमी थे जिनके पास में कुछ साधन नहीं था, आरक्षण की सुविधा मिली तो उनके परिवार चल गए। जो भूमिहीन किसान थे, जो मजदूर थे, उनका उद्धार हो गया। वे शहर में आ गए, उन्हें दूसरे लोग और को ले आए, आरक्षण का लाभ मिला तो उनको लाभ मिल गया। लेकिन अब धीरे धीरे वो व्यवस्था खत्म होती जा रही है। अभी जो ये इश्यू चला हुआ है, जो भारत सरकार इतनी पॉलिसी लेकर आई कि 4 साल नौकरी करो रिटायरमेंट आपको मिलेगा, बहुत उज्जवल भविष्य देश के नौजवान के सामने रख दिया, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो हमारे नेता है वो जो मिलिट्री में जिन्होंने नौकरी करी, अगर उनको 6 महीने पहले रिटायरमेंट कर दिया तो वो कोर्ट में गए कि नहीं 6 महीने पहले मेरे कागजों में खामियां थी। एक एमपी है वो यहां से गाजियाबाद से कोर्ट में गए, नाम ना लो बीमारी हुआ। हमने ये कहा कि जो इस व्यवस्था का समर्थन करता हो वो एमपी हो, एमएलए हो, कोई नौकरी पैसे वाला हो, जो भारत सरकार की पॉलिसी का समर्थन करता हो, जिसकी नौकरी 4 साल हो गई हो, वो नौकरी छोड़कर कहेंगे भारत सरकार की पॉलिसी बढ़िया थी, मैं इसके समर्थन में नौकरी छोड़ता हूं। प्रधानमंत्री जी एक बार घोषणा करते, अपील तो ये बार बार करते हैं ना कि गैस की सब्सिडी छोड़ दो, इसकी सब्सिडी छोड़ दो। वे सामने आए दानदाता, ये भी सामने आ जाए, अपनी नौकरी छोड़ दो तो कम से कम दूसरे लोग लाइन में लग रहे हो। एक बड़ा आंदोलन देश को फिर जरूरत है, इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सब एक हैं। और ये भी गलत फहमी निकाल दो कि ईवीएम में कुछ होता है, ये सब निकाल दो दिमाग से। अब ईवीएम में कुछ नहीं होता, अब हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ईवीएम नहीं, अब ईवीएम की लड़ाई रही नहीं, हमारे खिलाफ तो सबसे ज्यादा रहते हैं, हमारे खिलाफ तो प्रेस के लोग कहते थे कि अगर आंदोलन बढ़िया था तो जीतती कैसे, कभी जैसे आपको जबरदस्ती बुला रहे थे। नंबर सबका आना है, एकांक एक विभाग को ये सबको लपेट देंगे, एकांक एक सिस्टम। तो यह है कि एक बड़ा आंदोलन देश में फिर जरूरत है। अब के इन्होंने नौजवानों को छेड़ दिया, इनका पहला तो यही करे। हमने तो शांति की अपील करी कि आप भी करिए कि शांत रहे भाई, क्योंकि अगर इनको बच्चों को थोड़ा भी सहारा कोई भी दे देगा तो जिसका नाम ही अग्निपत्र रखा, अग्निपत्र नाम रखता उसका अग्निपत्र, इनको कोई बताने वाला नहीं है। अग्निपथ जब उसका योजना का नाम रख दिया तो योजना चालू भी नहीं हुई तो उसका रिजल्ट तो आ गया, ये तो कलयुग है। ये बहुत पूजा पाठी है, ये बहुत पूजा पाठी करने वाले लोग हैं जिनकी सरकार है आज। हमने भी कहा कि पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, लेकिन ये कौन से वाले हैं? ये हैं जो बलि प्रथा कर वाले थे, ये बलि प्रथा वाले हैं। है तो जो जब बलि प्रथा थी तो इस खानदान से है, क्योंकि इनको लड़ाई भिड़ाई में हो जाता है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, हरियाणा में जाके इन्होंने जाट और नॉन जाट को लड़ा दिया, ये पंजाब चले गए तो सिख और हिंदू को लड़ा दिया, ये गुजरात गए तो
पटेल और नॉन पटेल को लड़ा दिया, ये महाराष्ट्र तो मराठा नॉन मराठा को लड़ा दिया, यहाँ पे गांवों में किसान और मजदूर को लड़ा दिया, कहते हैं तुम्हारी मजदूरी कम है बढ़ाओ, उनके किसान को बिजली और से लड़ा दिया। उन्हें कहा भी ये किस तरह की सरकार है जो तोड़ फोड़ लड़ाई भिड़ाई में ही विश्वास रखते, मतलब कोई छोटा ही नहीं जिसको लड़ाई भिड़ाई ना करे, जातियों को लड़ा दिया आपस में। तो ये समझ लेना चाहिए सबको, अपने जो आपके संगठन पड़े हुए हैं सामाजिक इशू पे, जो भी आपने योजनाएं बनाई है, जिन जिन लोगों से आपकी बातचीत हुई है, डॉक्टर साहब उदित राज जी जो योजनाएं बनाकर चल रहे हैं, इसी तरह की योजनाएं बहुत सी बनी हुई है, वे सब जिस दिन इकट्ठी हो जाएगी, वे ताकतें सारी एक जगह आ जाएगी, उस दिन कुछ इलाज पा सकता है, अकेले अकेले कुछ नहीं होगा, देश की जनता तो साथ में है। जब विपक्ष खत्म हो चुका है तो देश की जनता तो अपने आप से डूबागी, इनको विपक्ष वालों को भी कुछ काम करना चाहिए, जो बैठे हुए यहां पर गोली नहीं रहे बिल्कुल, इनको भी अपना कुछ न कुछ काम करना चाहिए, हाउस में ही काम करना चाहिए, हाउस से बाहर काम करना चाहिए, ये करें तो कुछ, देश की जनता तो तंग है और वो आज चाहती है कि कोई न कोई अगवानी करके सामने आए। तो ये पहल भी अच्छी पहल है, आपने जो भी इशू लिए, आरक्षण के इशू लिए, आपने ईवीएम का इशू लिया, आपने निजीकरण का इशू लिया, निजीकरण का इशू पूरे देश के नौजवानों को बर्बाद करेगा। कुछ जगह कुछ घरानों पे पैसा इकट्ठा होगा, दूसरे लोग गरीबी में जीवन जिएंगे, रोटियां के मुहताज होंगे, अनाज बड़े लोगों की तिजोरियों में बंद होगा, जो उनके गोदाम होंगे उसमें बंद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, एकल की टाइम पे भूख के आधार पे रोटियों की कीमतें तय होंगी, ये भूख कितनी लगी है उसके आधार पे कीमतें तय होंगी। तो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातचीत अपनी बात समाज में कहनी पड़ेगी। बाबा साहब का जो संविधान है, हमने कहा कि देश धार्मिक रूप से नहीं चलता, देश चलता है संविधान से, हमको सबको बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में राइट्स दिए गए हैं कि सबको यहाँ पे पूजा पाठ करने का सबको राइट है। कौन पूजा पाठ कैसे करता है, कौन पूजा पाठ कैसे करता है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सबको राइट है, वो घर में करे, बाहर करे, किसी स्थान में करे, वो करे, सबको राइट है, संविधान में हमको सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको संविधान में सबको राइट्स दिए गए। मैंने सुना अखबार में पढ़ा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ किसने टिप्पणी की, नहीं करनी चाहिए, प्रधानमंत्री है देश के, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, कोई दूसरे लोगों के खिलाफ टिप्पणी करे तो उनके खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज नहीं है, संविधान में तो ये नहीं है, संविधान में राइट सबको दिए गए हैं, वही राइट देश के पीएम को है, वही राइट देश के आम आदमी, उसमें कोई छोटा बड़ा ही नहीं, वो देश संविधान से चलेगा, यहां की सरकारें सोच ले समझ ले, और जो ये रास्ता तैयार कर रहे हैं वो रास्ता देश को नागवारा है, देश उसको ठीक नहीं मानता, आप कौन सी भी भाषा में समझने चाहते हो, देश की जनता उसी भाषा के लिए तैयार है। लेकिन शांति जो देश के नौजवान हैं उनसे हमारी शांति की अपील है, सभी से कि वे अपना धरना प्रदर्शन शांति से करें, हम पूर्ण रूप से उनके साथ में हैं। 30 तारीख को हर जिला मुख्यालय पे एक प्रोग्राम होगा,
जो ये अग्निपथ योजना लेकर आए इसके विरोध में होगा, हम अपना ज्ञापन देंगे, अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात सरकारों के सामने रखेंगे और सरकार से भी ये रहेगा कि 30 तारीख के बाद में सरकारों से भी एक प्रतिनिधिमंडल अगर भारत सरकार मिलना चाहेगी तो हम इन इश्यू पर मिलना चाहेंगे और हम देश की सरकार से भी चाहते हैं कि आप अपना एक जारी करें प्रेस नोट कि कौन कौन लोग इसके समर्थन में जो नौकरी कर रहे हैं उसमें से कितने लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, क्या कितने लोग जो मेंबर पार्लियामेंट है एमपी एमएलए विधायक है उनका कार्यकाल 5 साल का होगा, नौकरी का कार्यकाल 4 साल का होगा, वे पेंशन मिलेंगे। एक ये भी कर दो कि मैं एक आदमी एक ही बार चुनाव लड़ेगा कोई पेंशन नहीं मिलेगी, एक इसके साथ ये भी कर दो, अगर ये नहीं करते तो ना इंसाफी है, देश का नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप करो कि एमपी एमएलए एक ही बार चुनाव लड़ेगा, दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई उसको पेंशन नहीं मिलेगी, हम भी सोच रहे हैं भैया उनके लिए भी कर रहे, इस नौजवानों को भी समझाने की कोशिश करें, लेकिन ये अत्याचार है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये लड़ेगा और जीतेगा, जीतेंगे। और इसी के साथ में देश में जय भीम जय संविधान के नारे जब तक लगते रहेंगे कोई अपने आप को अलग नहीं समझेगा। अभी हम महाराष्ट्र में गए तो बाबा साहब के लड़के की वाइफ वहां पर मिली, इनका पोता मिला, हमने कहा भाई हमारे खासकर के दिल्ली और जो पूरा जो क्षेत्र है उसमें ये नहीं जानते कि बाबा साहब के लड़के की वाइफ और इनके पोते भी हैं, इनका परिवार भी है, बका आप नहीं रहते हो उधर कोई नहीं जानता, आप उधर आओ। उन्होंने एक प्रोग्राम हमारे साथ में रहे तो उनका जो पोता था वो बड़ा सच्चा है, उनके पोतों का खींच के हम जाए साथ में बातचीत करी तो वे इधर आएंगे, उनको भी इधर दिखाओ, नहीं तो ये समझ रहे कि बाबा साहब का कुछ है ही नहीं और इनके नाम पे और लोगों का भाई सत्ता हासिल कर ली, आपको पता कोई मदद करी गरीब मदद किसी ने कुछ नहीं करी, तो वही इनके परिवार भी है वे भी है सारी चीजें है, उनको भी घर बुलवाओ और जब भी प्रोग्राम होते हैं तो यहाँ पर उनको लेकर आओ और जो भी अगला एक प्रोग्राम यहाँ पे जब पार्लियामेंट में होगा बाबा साहब की उस पर जयंती पे या कुछ उसको होता है ना प्रोग्राम 14 अप्रैल को आपके भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी हम पूरे यहाँ पे स्टॉल लगाएंगे, अपने बैनर लगाएंगे, उनका जय भीम और जय टिकेत के नारे इस देश में लगेंगे, जय भीम जय छोटूराम के नारे देश में लगेंगे और इन्हीं नारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।